कि आप चाहते हैं कि अगर आपके घर में कोई बेबी आए तो वो नॉर्मल डिलीवरी से आए, या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई डायबिटीज का मरीज है उसकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाए, या फिर आप दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बचना चाहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो हर घर में होती है लेकिन उसको सही ढंग से हम इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप उस चीज का इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं तो आप डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और न जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ये जानते हैं वो चीज कौन सी है और उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मेथी की। मेथी एक ऐसा मसाला है या एक ऐसी औषधि कह लीजिए जो हर घर में होती है। आयुर्वेद में मेथी को एक बहुत बड़ी औषधि कहा गया है। अगर आप मेथी के लड्डू एक प्रेग्नेंट लेडी को खिलाते हैं तो इससे उनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। इसी तरह से ही दोस्तों मेथी के कई और फायदे हैं जिसके बारे में आज के इस एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएं। दोस्तों पुराने जमाने में बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते थे, यहाँ तक कि बच्चे तो घर पर ही पैदा होते थे, लेकिन आजकल हॉस्पिटल्स में भी सिजेरियन ऑपरेशन होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके खान पान पर भी बहुत डिपेंड करता है। पुराने जमाने में लोग मेथी के बने हुए लड्डू खाते थे, इसी कारण से उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन आजकल हम लोग अपने खान पान की ओर ध्यान ही नहीं देते। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आजकल ये कहते हैं कि आप इसे जड़ से नहीं खत्म कर सकते, तो लोग पिछले 10-20 साल से डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मेथी दाने को सही ढंग से खाते हैं तो डायबिटीज को आप 3 महीने के अंदर ही जड़ से खत्म कर सकते हैं। आइए जानते हैं मेथी का इस्तेमाल किस ढंग से करना है। दोस्तों आपको रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी का दाना भिगोकर रख देना है। सुबह जब आप उठें तो बासी मुंह आपको उस पानी को पीना है और मेथी दाने को चबा चबा कर खा लेना है। दोस्तों अगर आप इस तरीके से मेथी का इस्तेमाल करते हैं तो ढेरों बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेथी के मामले में कुछ लोग एक गलती करते हैं, लोग मेथी की जगह पर मेथे का इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों मेथे देखने में मोटे होते हैं और मेथी देखने में बारीक होती है, वैसे दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं, तो आपको हमेशा मेथी का ही इस्तेमाल करना है, मेथे का नहीं। तो दोस्तों अगर आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच भीगे हुए मेथी दाने को और उसके पानी को पीते हैं तो इससे जो आपकी बीमारियां दूर होगी, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेग्नेंट लेडीज की डिलीवरी नॉर्मल होगी। अगर आप चाहते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो तो इस तरह से आप उनको मेथी का पानी पिलाइए और प्रेग्नेंट लेडी को आप मेथी के लड्डू भी खिलाइए। ऐसा करने से उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी और जो बच्चा पैदा होगा वो भी स्वस्थ होगा। क्या आपको पता है कि सिजेरियन ऑपरेशन से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बीमारियां ज्यादा लगती हैं, लेकिन जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्वस्थ होते हैं। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल ही हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डायबिटीज जैसी घातक बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपके लिए मेथी दाना वरदान है। अगर आप सुबह खाली पेट लगातार 3 महीने मेथी दाने का पानी पीते हैं और मेथी चबाकर खाते हैं तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह की प्रॉब्लम को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों आज की मेडिकल साइंस कहती है कि डायबिटीज को जड़ से खत्म किया ही नहीं जा सकता। आप ये कह सकते हैं कि आज की मेडिकल साइंस में डायबिटीज का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में बीमारियों को दोस्तों जड़ से खत्म किया जाता है। आयुर्वेदिक तरीके से किया हुआ इलाज दोस्तों सस्ता भी होता है और बिना साइड इफेक्ट के भी होता है। अब अगर आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो प्लीज मेथी दाने को लगातार 3 महीने आप खाकर देखिए। इससे आपका पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा और आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे कि आपकी शुगर जो है वो ऑटोमेटिकली एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो मेथी दाना बहुत ही अच्छा है। पुराने जमाने में 50 की एज के बाद जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि 50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्सॉर्ब करना कम कर देती है, लेकिन आजकल 20, 25, 30 की एज में ही जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। कारण है कि हमारे खान पान में कैल्शियम की कमी है। दोस्तों अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी है तो आपके जोड़ों में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि जोड़ों में दर्द होने का कारण है आपकी बॉडी में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी होना। लेकिन दोस्तों अगर आप मेथी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द 3 महीने में ठीक हो जाए तो मेथी दाने का पानी और मेथी को सुबह खाली पेट जरूर पिए। दोस्तों 50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है, इसीलिए जरूर ध्यान रखें कि अगर आपकी एज 50 से ज्यादा है तो अपनी डाइट में चूना जरूर शामिल करें। 1 गरम चूना 1 दिन में जरूर खाएं, ताकि आपकी बॉडी में कभी भी कैल्शियम की कमी ना हो, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम की कमी होने से हमें 20 तरह के रोग लग जाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल स्वस्थ रहे तो आपको मेथी दाना जरूर खाना चाहिए। क्या आपको पता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो उसमें कुछ मात्रा कोलेस्ट्रॉल की भी होती है। अब अगर आपके खाने में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है तो आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल एक तरह का चिकना पदार्थ होता है। वैसे तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन इसका बढ़ना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादातर जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी ही बनाती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। लेकिन अगर यही कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों में ज्यादा हो जाए तो ये ब्लॉकेज पैदा कर देता है। लेकिन अगर आप मेथी दाने को सुबह खाली पेट खा रहे हैं तो इससे आपके कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कम होगा और आपको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा और आप इस प्रॉब्लम से हमेशा बचे रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी बॉडी मोटी हो चुकी है, यानी अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो आप मेथी दाने का इस्तेमाल कीजिए। बहुत से लोग चाहते हैं उनका वजन कम हो जाए, इसके लिए कुछ लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं और कई तरह के डाइट प्लान्स भी करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका वजन कम नहीं हो पाता। कारण है कि हमारे वजन को कम करने के लिए जरूरी नहीं कि हमें खान पान में ही चेंज करना है, क्योंकि दोस्तों ढेरों ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी पतले हैं, ढेरों ऐसे लोग हैं जो बहुत कम खाते हैं फिर भी मोटे हैं। अगर यहाँ पर डाइट प्लान ही काम करता तो हर इंसान वो जो ज्यादा खाता है उसको मोटा होना चाहिए था और हर इंसान जो कम खाता है उसका पतला होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी का एक मेटाबॉलिक रेट होता है जो ये डिफाइन करता है कि आपका खाया हुआ खाना कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब जब आप मेथी दाने को सुबह खाली पेट खाएंगे तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, जिससे कि आपकी चर्बी बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी और बैठे बिठाए आप अपना वजन कम कर सकते हैं। अगर आप मेथी दाने को और मेथी के पानी को सुबह खाली पेट पीना शुरू करते हैं तो एक महीने में 5 से 10 किलो तक वजन आप आसानी से कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो मेथी का इस्तेमाल कीजिए। आजकल बालों को झड़ने से रोकने के लिए कई तरह के शैम्पू मार्केट में आ गए हैं। टीवी में भी आपको ये कहा जाता है कि ये हेयर फॉल शैम्पू है, ये हेयर फॉल सीरम है, ये हेयर फॉल ऑयल है। तो आप ही मुझे बताइए कि अगर ये चीजें आपको फायदा कर सकती तो आज तक सभी के बालों का झड़ना रुक चुका होता, क्योंकि सभी लोग शैम्पू और ऑयल का इस्तेमाल तो करते ही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे बालों की ठीक उसी तरह से जड़ें होती हैं जिस तरह से पौधे की जड़ें होती हैं। और पौधे पर आप कितना भी स्प्रे क्यों ना कर लें, पौधा तब तक ग्रो नहीं करेगा जब तक उसकी जड़ में खाद ना डाली जाए। उसी तरह से ही हमारे बालों पर हम जितना मर्जी शैम्पू ऑयल सीरम लगा लें, जब तक बालों की जड़ों को खाद नहीं मिलेगी हमारे बाल झड़ना नहीं रुकेंगे और हमारे बाल ग्रो नहीं करेंगे। बालों को हमारे खाद कहां से मिलेगी? हमारे खान पान से। आपको मेथी दाना सुबह खाली पेट लगातार 3 महीने खाना है, आपके बालों का झड़ना तो रुकेगा ही, बाल लंबे घने और काले भी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर बॉडी में कभी खून की कमी हो जाए तो मेथी दाना बहुत ही अच्छा है। क्या आपको पता है कि बॉडी में खून की कमी होने से हमें कई रोग हो जाते हैं? खून हमारी बॉडी में ठीक उस तरह से है जिस तरह से किसी गाड़ी में पेट्रोल होता है। अब गाड़ी में अगर पेट्रोल कम हो या खत्म हो जाए तो वो गाड़ी रुक सकती है। इसी तरह से ही हमारी जिंदगी की गाड़ी भी खून कम होने से रुक सकती है। अब अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है, इसका कैसे पता लगाएं? जब आप बैठते हैं और उसके बाद जब आप उठने की कोशिश करते हैं तो अगर आपसे उठा नहीं जा रहा, आपकी आंखों के सामने अंधेरा आता है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में खून की कमी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आपकी बॉडी में खून की कमी है। अगर आपको आलसपन ज्यादा रहता है तो हो सकता है आपकी बॉडी में खून की कमी है। इसके अलावा अगर आपको चक्कर आते हैं या आपको सारा दिन एक्टिवनेस महसूस नहीं होती तो आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। अब इसके लिए दोस्तों, आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर करवाना है, क्योंकि भारत में तकरीबन 50% लोग खून की कमी से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपके परिवार में भी कुछ मेंबर ऐसे हो जिनकी बॉडी में खून की कमी हो। दोस्तों, कारण जो है मैं आपको बता देता हूँ। पुराने जमाने में लोग लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। लोहे के बर्तनों में सब्जी बनाने से खाने में लोहे का जो कंटेंट है, आयरन कंटेंट बढ़ जाता था। इस कारण से किसी की भी बॉडी में खून की कमी नहीं होती थी। लेकिन आजकल हम लोग नॉनस्टिक और एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण से कैंसर का खतरा तो बढ़ा ही है और बॉडी में आयरन की कमी भी हो जाती है, जिससे खून की कमी हो जाती है और हम लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मेथी दाने को सुबह खाली पेट खाना शुरू करते हैं तो इससे आपकी बॉडी को आयरन मिलेगा और आपकी बॉडी में से खून की कमी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर कभी दोस्तों बच्चों के कान में दर्द हो तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए आपको सरसों के तेल में थोड़ा मेथी को डुबो कर रख देना है और अगले दिन सरसों तेल के 1 से 2 बूंदे आपको बच्चे के कान में डालनी है। ऐसा लगातार हफ्ते में 2 से 3 बार करने पर भी बच्चों के कान का जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको कभी भी कब्ज की प्रॉब्लम हो तो मेथी दाने के पाउडर को आप गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले लीजिए और कब्ज की प्रॉब्लम को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक मेथी दाने के जरिए ही हम कितनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं।
अब आप मुझे बताइए, क्या आपको कोई ऐसी मेडिसिन मिली है जो आपकी इतनी बीमारियां ठीक कर दे? आज की मेडिकल साइंस में तो एक बीमारी के लिए 10 दवाइयां खानी पड़ती हैं, लेकिन ये हमारा आयुर्वेद ही है जिसमें एक औषधि से 10 बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हमें ये औषधियां फायदा करती हैं और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं करती। इसी तरह से दोस्तों, पुराने जमाने में लोग अपने आप में ही डॉक्टर बन जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेथी का इस्तेमाल कैसे करना है, नीम का इस्तेमाल कैसे करना है, जामुन के बीजों का इस्तेमाल कैसे करना है, लौंग इलायची का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन आजकल हम लोगों को तो सिर्फ इतना पता है कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है, लैपटॉप का इस्तेमाल कैसे करना है। मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसमें ये भी समझिए कि स्वस्थ कैसे रहें। हर इंसान अपने आप में डॉक्टर बन सकता है, जरूरी नहीं कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़े या डॉक्टर की पढ़ाई ही करनी पड़े। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की भी मदद हो सकती है, उसकी बीमारियां दूर हो सकती हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें, और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना फ्री होता है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले मिले। ऐसी वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे, धन्यवाद।